कोचिंग करना पसंद करते हैं। तो आपने कभी खेला है स्टेट लेवल या लोकल लेवल पे? सर है जी कि गली प्लेयर हैं सर, कह सकते हैं मतलब कि मैं अपने गांव स्तर पे खेला हूँ टूर्नामेंट। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर तभी तक नहीं खेला है। अच्छा, आपने अपना ऑप्शनल आपने बीटेक आईटी से किया है? जी सर। लेकिन ऑप्शनल आपने हिस्ट्री ऑप्ट किया? जी। क्यों सर? सबसे पहला रीज़न ये था कि जो मेरा ब्रांच है आईटी, उसमें कोई ऐसा कोर सब्जेक्ट नहीं था कि मैं बीपीएससी में ले सकूँ ऑप्शनल, और दूसरा कि मुझे इतिहास पढ़ने में काफ़ी रुचि लगती थी पहले से ही सर। तो ये दो रीज़न था, और एक रीज़न ये था कि इतिहास का जो मटेरियल है मार्केट में वो आसानी से उपलब्ध था, इसलिए मैंने सर चूज किया हिस्ट्री। तो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं? जी सर। आपका रुचि क्या है करंट अफेयर्स में, किस सेक्टर पे ज़्यादा रुचि है? अभी जो एजुकेशन पॉलिसी जो आया है जी सर, तो उसका है कि मेजर पॉइंट्स क्या है जो है कि लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा? सर मेजर पॉइंट ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर है सर एजुकेशन का, जो पहले था 10+2, उसको चेंज किया गया है, उसको 3 स्तर पे लाया गया है, 4 स्तर पे सर, सॉरी 5+3+3+4 सर। तो इसमें एक मतलब प्राइमरी स्तर पे है सर, उसमें जो हमारी बेसिक जो तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें क्या हुआ कि अभी शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन अभी कम है जी, इसमें प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा जी, तो बाद में कि स्टूडेंट को लॉस है लॉन्ग टर्म में, गार्जियन के पास एक सेकर ज़्यादा होगा जी। तो आप इससे कितना सहमत हैं? सर बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ सरकार भी इस पर अपना भागीदारी के लिए GDP का 6% खर्च कर रही है, ताकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकें और लोगों को मतलब सरकारी सुविधा दी जा सके सर। तो सरकार भी प्रयास कर रही है। लेकिन बिहार में अगर आप देखते हैं तो स्कूल का तो स्तर काफ़ी डिटरेटेड हो गया है जी सर। तो उसको आप कैसे सुधारेंगे? सबसे पहले कैसे उसका